जय हिंद दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आपका OBR व्लॉग्स में। बड़ा सैड न्यूज़ तो एक मैंने पीछे दे दी थी, मेरा कुत्ता जो है बाघ ने खा लिया। लेकिन अब मेरे पास घूमते घामते ये देखो कोई ना कोई आता रहता है। मैं आज आपको दिखाना चाह रहा था कि मेरे पास डार्क बैरन गाला है और इसकी प्रूनिंग मैं फर्स्ट टाइम की है। इसकी प्रूनिंग की ही नहीं थी और इसकी ग्रोथ जो है हैफ हज़ार्ड हो गई है। तो मैंने किया क्या कि नीचे से तो ये नी हाइट में मैंने काट दिया, इसको नी हाइट में काट दिया और ऊपर के ये जो हैं, तो इसमें मैंने क्या किया था जी कि भई इसमें जो मेरे पास ये ग्रोथ, क्योंकि मैंने प्रूनिंग की जब से मैंने लगाया इसमें प्रून ही नहीं किया, तो ये मैंने एकदम निकालने ठीक नहीं समझा। मैंने इसमें थोड़े ये टब कट बोले हैं आप इसको, या थोड़ा सा जो हाई डेंसिटी वालों में होता है तो इसको कोई 2-3 इंच का वो निकाल के, और फ्रंट इसके बहुत लंबे हो गए थे तो मैंने थोड़े थोड़े आगे से काट दिए ताकि ये, हालांकि उसके लायक तो ट्रेनिंग के लायक तो रखे हुए हैं। ये देखिए हो जाएगा, ट्रेन तो हो जाएगा, पर बाकी ये देखो आप, ये मैंने किया है। लेकिन ये ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है हुई हुई और डेंस ग्रोथ है, तो क्या मेरे को ये इसी साल उड़ा देने चाहिए या इसको थोड़ा मैं एक एक साल के गैप में या बीच बीच में एक एक टहना निकालूं? तो आप काइंडली मेरे को ज़रा एडवाइस करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। मुझे कमेंट्स आपके काफ़ी मिलते हैं और आपके रिस्पॉन्सेज भी मेरे को काफ़ी मिलते हैं। और ये वाली लाइन मेरी रेड वेलॉक्स की है और इसमें एक बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम आ रही है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है ये। स्प्रे इसमें सारी होती है, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और खाद इसमें प्रॉपर डाली जाती है और पानी में भी शायद इतना ज़्यादा, वैसे तो प्रॉपर डाला जाता है पर इसमें भी शायद इतना ज़्यादा नहीं हो। क्या पानी की कमी से ये हो सकता है?